चलिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या, एक कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, एक कॉइल, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या, एक कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम अक्रॉस, देखिए पहले एक कॉइल है, एक कॉइल है जो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, तो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस को हमने बना दिया, ये कितना है जो भी है आर की वैल्यू है कितनी 30 ओम, और कॉइल को बनाओ पहले, यहाँ पे कॉइल को दिखाओगे तो उसमें हमने बोला सिर्फ कॉइल बोला है, तो कॉइल का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होगा, नहीं तो उस कॉइल का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिखा दो पहले, रेजिस्टेंस कैसे दिखाते हैं ऐसे, और इंडक्टर लाइक दिस वन, तो इसका नाम आर वन दे दिया, इसका एल, ठीक है। अब अक्रॉस 220 50 हर्ट्ज सप्लाई, अच्छा वोल्टेज कितना दिया हुआ है 200, ये जो भी है 240 वोल्ट का, यहाँ पे है 240 वोल्ट सप्लाई, और एफ की वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है बस हमने उतना कर दिया। द रीडिंग ऑफ ए वोल्ट मीटर अक्रॉस द कॉयल, अच्छा जो इस कॉयल के करस्पॉन्डिंग, ये जो कॉयल है इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है और उसका जो वोल्टेज है वो कितना 180 वोल्ट, ये 180 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये दे रखा है, ये सब मैग्नीट्यूड दे रखा है। एंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज, अच्छा रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग कितना दिया 130 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, तो ये जो वोल्टेज है 130 वोल्ट जो ये वाला है इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, मतलब कॉइल के करस्पॉन्डिंग बोला है 180 वोल्ट और इसके करस्पॉन्डिंग बोला है 130 वोल्ट, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट। कैलकुलेट पावर कंज्यूम बाय कॉइल, पावर जो है कंज्यूम की, कॉइल कितनी पावर को कंज्यूम करेगा। सेकेंड वन है पावर फैक्टर ऑफ द होल सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ द होल सर्किट मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल देख लो किस तरीके से, नहीं सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल हमको ये टारगेट है, क्लियर है। तो अगर हमको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, अब देखो वोल्टेज यहाँ पे कितना है, ये देखो कितना करंट है, उस वोल्टेज कितना है 130 वोल्ट, और अगर इसमें करंट निकालना हो, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस कॉयल में करंट कितनी होगी, सॉरी इस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग करंट कितनी होगी, और हमने मान लिया आई, आई की वैल्यू कितनी होगी 130 वोल्ट डिवाइड बाई 30 ओम, तो ये जो वैल्यू आएगी वो हो गई करंट इन जो आपका नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है उसका, ठीक है, तो 130 डिवाइडेड बाई 30 ओम, तो ये हो गया 4.33 ये आ रहा है 4.33 एम्पियर, ठीक है, 33 करते जाओ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए जो कि हाई की वैल्यू है, अब यही करंट किसमें फ्लो करेगी, इसमें भी करेगी इसमें भी करेगी, नहीं इतना तो क्लियर है कि जो करंट इसमें फ्लो करेगी वही करंट इन सब में भी फ्लो करेगी, क्योंकि सब के सब क्या सीरीज में है, तो इतना तो फिक्स हो गया कि सब में करंट कितनी जाएगी 4.33 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब थोड़ा फेजर डायग्राम प्लॉट करना चाहते हैं, अगर ये वी आर है, इसको कैपिटल वी आर मान लो, ठीक है, इसको स्मॉल वी आर वन मान लो, वी आर वन मान लो ज़्यादा सही है, ये वी एल वन मान लो, ठीक है, अगर फेजर ड्रा करना चाहेंगे तो वी आर की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आर, और वी आर वन की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आर वन, और वी एल वन की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू जे एक्सएल, ठीक है, ऐसे लिखोगे या जे आई इंटू एक्सएल, ये वोल्टेज लिखोगे, क्लियर है। और ये जो सप्लाई वोल्टेज होगा, सप्लाई वोल्टेज जो होगा वो वी आर प्लस वी आर वन प्लस वी एल वन का क्या होगा, सम होगा, नहीं मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें से इन दोनों में से आई कॉमन ले लो, तो आई इंटू आर प्लस आर वन, और यहाँ पे प्लस जे आई इंटू एक्सएल, ऐसे लिखोगे, नहीं प्लॉटिंग करना बहुत इजी हो जाएगा इसी वजह से फेजर डायग्राम प्लॉट करना है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो कैसे पहले फेजर ड्रॉ करते हैं, पहला हमारा टारगेट होगा कि देखो आई और आर, देखो आई को सीरीज में है, सबके सब किस में है, सीरीज में है, तो हमने बोला था कि रेफरेंस किसको किस में लेना चाहिए, करंट को, जब सीरीज में दिखे तो कोशिश करनी चाहिए कि रेफरेंस किस में लें, सीरीज में इन जनरल,
कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपनी तरफ से वोल्टेज को भी रेफरेंस ले सकते हो किसी को भी। तो पहले फेजर डायग्राम प्लॉट करने के लिए हमने क्या बताया, सीरीज में हो तो करंट को और पैरेलल हो तो इन जनरल हम लोग किसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को लेकर चलते हैं। हाँ मिक्स हो तो फिर इसके उसके हिसाब से अदर चीज़ों को भी देखा जाता है कि किसको ज़्यादा ईजियर है। ठीक है, तो फिलहाल आई को देखो प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा आई, आई एट द एंगल जीरो। ठीक है, आई क्या हो गया, आई एट द एंगल जीरो और आई इंटू आर, आर क्या कोई वैल्यू होगी, दो चार छः होगी, तो कुछ वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, वो आई के डायरेक्शन में तो वोल्टेज आ गया, तो वी आर और आई दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, अगर ये आई है तो वी आर की वैल्यू उससे ज़्यादा ही होगी, जो भी होगी, आर ज़्यादा भी हो सकती कम भी हो सकती। खैर हमने रिप्रेजेंटेशन में हमने ज़्यादा दिखा दिया, ठीक है, कि करंट 4.33 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे भी हमें नहीं पता, लेकिन हम मान एज्यूम करके चल रहे हैं कि ज़्यादा होगी। तो अगर करंट ये है तो वी आर का दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक डायरेक्शन में हो गया, पहला टारगेट क्लियर। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या क्या होगा कि ये तो वी आर हो गया, वी आर वन और वी एल वन। अच्छा वी आर वन भी कैसा है, लाइक दिस वन, तो ये जो वोल्टेज है वो इन दोनों का सम है। तो अगर आई वी आर वन को दिखाना हो तो किधर दिखाओगे, इधर ही दिखाओगे, दैट इज वी आर वन। नहीं, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम। वी एल वन क्या होगा, ये है जे आई, जे आई का मतलब हमने कहा आई का डायरेक्शन ये, तो जे आई किधर होगा, 90 डिग्री ऐसे घूम जाओगे, ये हो जाएगा प्लस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा, ऐसे प्लॉटिंग करेंगे इसको, तो ये बनेगा आपका जे आई इंटू एक्सएल, तो इसको हम वी एल लिखते हैं। ठीक है, यही हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट लिखना हो तो कौन सा लिखेंगे, ये वाला रिजल्टेंट, ये होगा कॉयल का, तो आप इसको वी सी भी लिख सकते हो, कॉयल के करस्पॉन्डिंग वी सी हो गया। नहीं भाई, अगर हमको सिर्फ इसका प्लॉट करना हो तो हम ऐसे लिखें वी आर वन प्लस वी एल, दोनों का ये 90 डिग्री पे, नहीं ये 90 डिग्री पे, और इन दोनों के साथ ये जो भी एंगल आएगा उसको थीटा फाई जो भी मानना है मान सकते हो। ठीक है, अब इन तीनों का सम फेजर सम किसके बराबर मिलेगा, वी के, तो वी आर प्लस वी आर वन प्लस वी एल ये तीनों मिल के आ गए इसके करस्पॉन्डिंग, दैट इज वी, और ये एंगल आप कुछ भी मान लो फाई करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, मैग्नीट्यूड सबके पता है, जो भी वैल्यू निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग करते चले जाओ, हमको वो चीज़ें मिल जाएंगी। फोकस किस पे करना है, हमारा टारगेट ये है फाई, हमारा जो टारगेट है कि फाई को डिटरमाइन कर, देखो एक तो ये भी है ना पावर फैक्टर ऑफ द होल सर्किट, मतलब फाई निकाल लें तो कॉस फाई, क्योंकि फाई का मतलब क्या है, हमको सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज कौन है ये है, और करंट के बीच का एंगल देखना है, तो करंट कौन सी इधर है और सप्लाई वोल्टेज ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो आएगा वो हो गया पावर फैक्टर एंगल, सप्लाई पावर फैक्टर एंगल, और उसमें कॉस से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फार्मूला, क्या इसकी हेल्प से, देखो दो वेक्टर होते हैं, हमने पढ़ा था एक, जैसे दो वेक्टर होते हैं ए बी, हमने ऐसे आर दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, नहीं अगर दो वेक्टर हैं ऐसे और दूसरा ऐसे है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, नहीं तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये एंगल अगर थीटा है तो फार्मूला हो जाता, जो रिजल्टेंट आर आता है वो कैसा आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, मतलब ये और ये पता हो और ये एंगल पता हो, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हम इसी की हेल्प लेंगे, वी आर भी पता है और वी सी भी पता है, तो हमको ये पता, ये पता है और ये पता है, तो हमको थीटा मिल जाएगा, देखते हैं उससे कुछ फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, तो यही फार्मूला हम अप्लाई करना चाहते हैं वेक्टर में, जब हम लोगों ने पढ़ा था 12th में वही कंसेप्ट लगा रहे हैं, 11th में पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए अब फार्मूला क्या होगा, वी का स्क्वायर यहाँ पे, वी का या वी, हाँ वी का स्क्वायर लिख दो, वी का स्क्वायर दिस इक्वल टू ए की जगह कौन है, देखो वी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये सब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और वी सी का स्क्वायर प्लस
टू वी आर इंटू वी सी इंटू कॉस थीटा। अब देखते हैं इसकी हेल्प से कुछ मिलता है। कॉस थीटा की वैल्यू वी आर का स्क्वायर माइनस वी सॉरी वी का स्क्वायर माइनस वी आर माइनस वी सी का स्क्वायर अपॉन टू वी आर इंटू वी सी। ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ और यहीं पे वैल्यू पुट कर दो। वी आर की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, सॉरी वी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 240 240 का होल स्क्वायर माइनस वी आर कितना है 130 और माइनस वी सी, वी सी की वैल्यू कितनी 180 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू वी आर, अभी वी आर कितना है 130 और वी सी कितना है 180। अब देखते हैं कि यहाँ से कॉस थीटा कितना आता है। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा कितना होता है, देखो 240 का होल स्क्वायर माइनस 130 का होल स्क्वायर माइनस 180 का होल स्क्वायर लाइक दिस वन डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 130 फिर डिवाइड बाय 180 यार 0 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है 0.177735। मतलब ये कॉस 5 जो आया है ये पावर फैक्टर एंगल नहीं है। ठीक है, ये है 0. क्वायल का अगर पावर फैक्टर एंगल लिखना हो तो ये लिख सकते हो। अगर क्वायल का ये क्या होगा, लैगिंग किसका, क्वायल का। ठीक है, ये क्वायल का पावर फैक्टर एंगल हो गया, पावर फैक्टर हो गया अगर सिर्फ क्वायल का पूछेगा तो। ठीक है, हमको पूछे पावर फैक्टर ऑफ द होल सर्किट, होल सर्किट अलग चीज़ है, होल सर्किट का मतलब ये 5 पूछा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर कि हाउ कैन डिटरमाइन। ठीक है, इससे इसकी हेल्प से हमको कॉस 5 तो मिल गया। अब दिमाग में आएगा कि सर आपने इसको क्यों निकाला, देखो क्वेश्चन में बोला ना पावर कंज्यूम बाय द कॉइल। अब देखो पावर यहाँ पे कंज्यूम कौन करेगा, देखो हमको पावर कंज्यूम कराने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, ये जो इन सब की तो वैल्यू भी तो चाहिए। ठीक है, तो पहले इनको जल्दी से बनाओ और इनको हटाते हैं। ठीक है, तो ये आपने बना लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब क्या करना है। नेक्स्ट टारगेट है कि R1 की वैल्यू, तो R1 जो होगा अभी सर्किट से देखो, ये आपका देखिए ये हो गया R1, ये हो गया आपका XL और ये हो गया आपका ZL। ठीक है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हम बना सकते हो नहीं, और ये है आपका थीटा, इसीलिए थीटा निकाला था कि अगर R1 लिखना हो तो क्या लिखोगे, R1 दिस इक्वल टू ZL इंटू कॉस फाइव कॉस थीटा। नहीं, ZL का मतलब क्वाल का इम्पिडेंस, अब क्वाल का इम्पिडेंस कैसे निकलेगा, क्वाल का इम्पिडेंस निकालने के लिए क्या करोगे, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना 180 डिवाइड बाई ये कितना 180 डिवाइड बाई व्हाट अबाउट करंट 4.33, तो 4.33 तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 4.33 कितना आ रहा है 41.57 ओम। ठीक है, ये 41.57 और कॉस 5 वही 0.177735 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इंटू 0.177735 तो ये आ रहा है 7.3725 ये हो गया R1, ये कॉइल का इम्पिडेंस हो गया। तो अब हमको निकाल पावर कंज्यूम बाय द कॉइल, तो यहाँ पे पावर कंज्यूम बाय द कॉइल इज I1 का स्क्वायर नहीं I का स्क्वायर इंटू R1, तो ये हो जाएगा I1 कितना है I कितना है 4.33 का होल स्क्वायर इंटू R इज 7.3725। ठीक है, इंटू कर देंगे इससे 4.33 का होल स्क्वायर, तो ये फाइनली आ रहा है 138.22 वाट। ठीक है, 138.22 वाट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है कि पावर कंज्यूम तो हमने कर लिया,
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि पावर फैक्टर ऑफ द होल सर्किट। पावर फैक्टर ऑफ द होल सर्किट के लिए अगर हम किसी तरीके से, जैसे यहाँ पे इम्पीडेंस निकाले हैं, इम्पीडेंस निकाले हैं, अगर इम्पीडेंस निकाल लें, ठीक है, देखते हैं। अगर इसका इम्पीडेंस की बात करें तो ये बनेगा इधर R plus R1, और ये जो बनेगा ये होगा XL और ये होगा Z, तब ये हो जाएगा फाई। नहीं देखो, यहाँ से बोल्ट रेजिस्टेंस R और यहाँ से R1, तो R plus R1 रियल कंपोनेंट और यहाँ पे रिएक्टिव कंपोनेंट जिसमें वो है XL है, तो XL को रिप्रेजेंट इधर ये फाई, तो ये Z हो जाएगा। तो अगर हमको Z चाहिए, अगर हमको Z बाई जैसे करना, अगर हमको cos फाई चाहिए, cos फाई चाहिए, तो R प्लस R1 डिवाइड बाई क्या कर दो, Z कर दो, काम हो जाए। अब नेक्स्ट टारगेट होगा Z को निकालना। Z को निकालने से पहले हमको XL निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमको XL ZL तो पता है, ZL की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, R1 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर आपको XL चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, ZL का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। ZL कितना है, ZL हमारा है 41.57 का होल स्क्वायर माइनस R1, R1 की वैल्यू कितनी, 7.3725 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41.57 का होल स्क्वायर माइनस 7.3725 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा लाइक दिस वन का अंडर रूट, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40.91, ठीक है, ये हो गया 40.91, हमको एक्सेल मिल गया, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर वन प्लस आर प्लस आर वन का होल स्क्वायर प्लस एक्सेल का होल स्क्वायर। आर प्लस आर वन, आर की वैल्यू कितनी, 30, और आर वन कितना है, आर वन है आपका 7 point something, तो ये हो जाएगा 37.37 का होल स्क्वायर प्लस एक्सेल, एक्सेल की वैल्यू कितनी, 7.1 second, ये R1 किया तो ये आ गया 40, और अच्छा 40, ये आ गया एक्सेल की वैल्यू 40.91 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर प्लस 37.37 का होल स्क्वायर, ये आया लाइक दिस वन, अंडर रूट कर देंगे तो ये आएगा 55 point something, ये आया 55.40, ठीक है। तो ये हो गया एक सेकेंड, आर के लिए 30, हाँ तो ये 37, ये हो जाएगा 37.37 डिवाइड बाई 55.40, ठीक है। तो 37.37 डिवाइड बाय 55.40 ये आ रहा 0.6, तो ये आ रहा है 0.6745 लैगिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग जैसे जैसे बोलता जाए बस वैसे वैसे करते जाओ। तो क्वेश्चन में क्या दिया था एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना, हमको लगता है कि फेजर से अच्छा हो जाएगा, कभी लगता है कभी किसी और से अच्छा हो जाएगा। तो हमको जब भी कॉइल का रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो बेटर टू इससे प्लॉट करके करो, फेजर डायग्राम प्लॉट करके, ठीक है। तो क्वेश्चन बना लो इसको। देखो क्वेश्चन में क्या देते हैं, एक कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ये हो गया 30 ohm, ठीक है। अक्रॉस 240 volt 50 hertz सप्लाई, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अक्रॉस द कॉयल इज 180। कॉयल के करस्पॉन्डिंग याद रखना, किसके करस्पॉन्डिंग बोला, कॉयल करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है, 180।
तो कॉइल में क्या होगा, कॉइल बोला तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों आ जाते हैं, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज में आ जाएंगे। फिर बोल ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज, अच्छा एंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 130 वोल्ट, तो वोल्ट जो 130 वोल्ट है वो किसके करस्पॉन्ड बोला, इसके करस्पॉन्ड नहीं बोला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो पढ़ के, क्योंकि पहली बात होती है अंडरस्टैंड होना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। ठीक है, फिर इसके बाद बोला पावर कंज्यूम बाई, तो हमको उसके बाद हमने क्या किया कि पहले करंट, करंट पे फोकस करो, करंट यहाँ से निकालना इजी एज ए कम्पेयर टू दिस वन। नहीं तो करंट के लिए वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर दिया तो करंट मिल गई 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और यही चूंकि सीरीज मैग्नीट्यूड वाइज मिल गई करंट, फिर हमने क्या किया फेजर ड्रॉ किया, वी आर का ये हो गया, वी आर वन का ये हो गया, वी एल वन का ये हो गया, तो इन दोनों की हेल्प से हमने ये ड्रॉ कर दिया और ये ड्रॉ कर दिया। फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा था ए डॉट, अगर वेक्टर ए ये है और बी ऐसे हैं तो ए और एंगल ये थीटा है, तो हमने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा दिस इक्वल टू क्या होता है आर के, तो रिजल्टेंट के, तो उसकी हेल्प से हमने ये थीटा निकाल लिया। फिर थीटा के हेल्प से हमने ये सब पैरामीटर निकाल लिए, क्योंकि थीटा जो एंगल होगा वो किसका है, इनका है ना, कॉइल का, तो इम्पिडेंस एंगल भी कर सकते हैं और उसको पावर फैक्टर एंगल भी कर सकते हैं कॉइल का। नहीं तो उससे कॉस फाइव मिल गया, अगर पूछता है कॉइल का पावर फैक्टर तो ये हो गया लैगिंग होगा, क्लियर। फिर उस थीटा के हेल्प से हमने आर वन निकाल लिया, ठीक है, और फिर आर वन जब निकल गया तो हमने ये जो है उसके बाद हमने पावर कंज्यूम बाय द सर्किट निकालना था, तो वो कॉइल पावर कंज्यूम कौन करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस करेगा, तो आर वन आई का स्क्वायर इंटू आर वन कर दिया तो ये मिल गया वाट में। फिर नेक्स्ट टारगेट था कि पावर फैक्टर निकालना है, सप्लाई पावर फैक्टर देखना है, होल सर्किट का मतलब फाई देखना था। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका बताया था कि जैसे ये इम्पिडेंस वाला कंसेप्ट होता है उसी तरीके से ही निकाल लो, ये आर, ये आर वन ये हो गए और इधर क्या है एक्सएल और ये फाई, तो बस हमने क्या निकाल लिया एक्सएल निकाल लिया, एक्सएल निकाल लिया किसके करस्पॉन्डिंग, ये जेड एल दिस इक्वल टू, इससे हमने एक्सएल निकाल लिया, फिर एक्सएल मिल गया और ये दोनों पता ही तो जेड मिल गया, जेड के बाद फिर हमने बताया था कि कॉस फाई क्या होगा दिस अपॉन दिस करके ये हो गया, पावर फैक्टर क्या मिलेगा लैगिंग क्योंकि इंडक्टिव लोड है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, इस तरीके से हम इसको डन करेंगे, तो कंप्लीट बना लो इसको।